प्रायोजित फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत व्यक्ति राजेंद्र शुक्ल, जो पिछले 20 साल से यहां पर मंत्री विधायक के रूप में मौजूद हैं, उनके खिलाफ उनके ही बड़े भाई को रीवा जिले का पर्यवेक्षक बनाकर मैदान में उतार दिया है। माना जा सकता है विनोद शुक्ला के रीवा जिले के पर्यवेक्षक बनने के बाद रीवा जिले की और मऊगंज की 8 सीटों पर काफी असर दिखाई देगा। विनोद शुक्ला ने पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री रणवीर सिंह सुरजेवाला जी के आदेश से मुझे लोकसभा का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, ताकि मैं जो भी प्रत्याशी हैं ऑटो विधानसभा के, उनके लिए विचार और पार्टी को मजबूत करने का काम मुझे सौंपा गया है। उसके लिए मैं राष्ट्रीय पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एवं राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जो रीवा के हमारे संगठन के प्रभारी हैं ताभम शर्मा जी एवं राष्ट्रीय सचिव मित्तल जी, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे जो कर्मठ संगठन के लोग हैं रीवा के, रीवा जिले के, शहर के खंडेलवाल जी, हमारे मंगू जी जो कि प्रदेश के महामंत्री हैं और जो ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, ये रविंद्र भगत जी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसमें खरा उतरूं और मैंने आज तक जो भी कार्य किया है हमेशा निष्ठा से किया है और आज भी मैं पार्टी में जो भी कार्य करूंगा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए करूँगा। उसमें मेरा यहाँ के जो भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, मैं चाहूँगा कि सबका सहयोग मिले और सब एकजुटता के साथ इस मिशन को सफल करें। ये तो निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, 18 महीनों में बहुत ही अच्छा कार्य किया, इससे लोगों में हलचल मच गई और उनको षडयंत्र करके गिरा दिया गया। अगर वो 5 साल कार्य करते तो निश्चित रूप में 10-15 साल के लिए जनता को बहुत ही लाभ मिलता और कांग्रेस को एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब 2023 में भी आज यही स्थित है कि वही जन आक्रोश है लोगों में, एंटी इनकम्बेंसी पूरे प्रदेश में है और उसकी एक बयार चल रही है। तो अब ये है कि 2018 में सरकार तो हमारी बनी, लेकिन कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी यहाँ से जीत नहीं पाया। तो इस बार हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के ऐसा प्रयास करें कि देश में, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के प्रत्याशी अगर जीतेंगे तो हमारे जिले का प्रतिनिधित्व कैबिनेट मंत्रियों के रूप में होगा, इससे हमारे रीवा का विकास होगा। यही मेरी प्राथमिकता है, इसको ही हमारी अपील है सभी कांग्रेस के लोगों से कि एकजुटता के साथ इस अभियान को सफल करें। और मैं मंच से हमारे बड़े भाई या पिता तुल्य
हमारे पिता के खास मित्र श्री गोविंद प्रसाद गोविंद दास तिवारी जी, जिसे मेरा पारिवारिक संबंध है, और ये श्रीनिवास तिवारी जी के असली वारिस तो यही है और सबसे वरिष्ठ उनके सदस्य हैं, और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को पार्टी को नहीं छोड़ा और आज वो स्तंभ की तरह हमारे साथ खड़े हैं। इससे भी हमारा मनोबल बढ़ेगा। मैं अभी उनको उपाध्यक्ष बनाया गया, उसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ भैया। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का मुद्दा है। आज उससे किसी भी पार्टी का आदमी, एक आम आदमी उससे पीड़ित है। गरीब से गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी, किसी भी पार्टी का आदमी, अगर डीजल का रेट महंगा है तो वो सभी के लिए महंगा है, सभी जाति के लिए महंगा है। तो एक तो महंगाई का मुद्दा है, दूसरा है रोजगार। आज इतने हमारे युवा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और उनको कोई भी साधन नहीं मिल रहा है जीविका चलाने का, दूसरा ये मुद्दा है। तीसरा जो सरकार की कार्य शैली है, प्रेजेंट सरकार 18 साल से हम देख रहे हैं, 18 साल से शासन हो रहा है, आज भी वही समस्या खड़ी हुई है। तो एक मौका हम जनता को लगता है कि एक मौका दिया जाए, 18 में दिया गया वो सफल नहीं रहा, अब 23 में प्रचंड बहुमत से सरकार आएगी ताकि कोई भी षड्यंत्र करके सरकार को गिरा ना पाए। देखिए प्रादेशिक मुद्दा तो जो हमने बताया आपको, ये तीन चीज़ें हैं और प्रादेशिक भी है, और बाकी जो मुद्दे हैं वो आपको विदित है। गांव-गांव में समस्याएं हैं, विकास के नाम पे छलावा किया जा रहा है, धन के नाम पे छलावा किया जा रहा है। किसी भी तरह से शासन में हमको रहना है तो उसके लिए क्या हथकंडे कर सकते हैं, सब किया जा रहा है। रीवा में विकास नहीं हुआ है? नहीं, रीवा में विकास हुआ होगा लेकिन आपको ज़्यादा मालूम है कितना विकास हुआ। छलावा आप देखिए कि हॉस्पिटल बनता है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लेकिन अगर कोई पुलिस कांड में कोई पुलिस जख्मी हो जाता है तो उसको प्राइवेट अस्पताल में क्यों ले जाया जाता है, आप ही बताइए ना। देखिए अगर ये स्वीकार किए होते तो आज पूरी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी के का फोकस क्यों मध्य प्रदेश में होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बदलाव की ब्यार है जो देखिए ये विचारधारा की लड़ाई है। कोई भी अभी आप देखिए होशंगाबाद देखिए, कांग्रेस का प्रत्याशी और भाजपा का प्रत्याशी दोनों सगे भाई हैं, वो तो आमने सामने लड़ भी रहे हैं। मैं तो केवल एक प्रचार कर रहा हूँ और एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है कि नहीं बहुत अच्छा विकास हुआ है, जनता को लगता है, तो वो अलग बात है, लेकिन आज समस्याएं कितनी हैं उसको आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हॉस्पिटल बन रहे हैं, कोर्ट बन रहे हैं, आज देखिए समन्वय तो एक नेता का काम होता है, समन्वय से काम करना। आप उसको इतनी बड़ी पावर देते हैं, उसकी ड्यूटी है कि आदमी को बैठा करके निर्णय ले। आज कोर्ट को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया, कितने वकीलों ने उसके लिए आंदोलन किए, सालों आंदोलन किए, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। आज किसी को अगर वहाँ कोर्ट में काम है या दोनों जगह काम है तो आने जाने में रह जाएगा। शिक्षा का केंद्र एक तरफ रखना चाहिए था, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे कॉलेजेस उधर हैं, यहाँ पर कोर्ट रखना था। तो अगर जन नेता जो कि जनता ने बनाया है उसमें, अगर वो सबसे समझ करके काम करे तो वो ज़्यादा उपयोगी, ऐसा मेरा सोचना है। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।